ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बियॉन्ड द हेडलाइंस में। एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी किसान आभार सम्मेलन में शिरकत करने 8 फरवरी को आ रहे हैं। राहुल की यह सभा एमपी में कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव का आगाज होगी। इधर भाजपा भी एमपी में चुनाव अभियान की शुरुआत 15 फरवरी को होशंगाबाद से करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 फरवरी को होशंगाबाद में सभा कर इसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद 16 फरवरी को विधार में जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी में दोनों दलों के चुनावी आगाज की तैयारियों पर पेश है ये खास रिपोर्ट। भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाली राहुल गांधी की सभा के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रियों, विधायकों और बाकी के सभी नेताओं को 2 लाख किसानों को लाने का टारगेट दिया है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोग भोपाल आएं, इसके लिए भी कहा गया है। मंत्रियों ने भीड़ जुटाने के लिए प्रदेश भर के दौरे किए हैं। पीसीसी में भी राहुल गांधी के दौरे के मद्देनजर 3 बैठक हो चुकी है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी किसानों के साथ संवाद करने के साथ साथ उन्हें संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश के किसान आएंगे और राज्य सरकार की ओर से जय किसान ऋण माफी योजना लागू करने के लिए राहुल का अभिनंदन करेंगे। प्रदेश सरकार ने जय किसान ऋण माफी योजना के तहत करीब 55 लाख किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज को माफ करने का फैसला किया है। इस पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और 22 फरवरी से किसानों के खाते में राशि भेजे जाने का दावा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। इधर एमपी में सत्ता गंवाने के बाद भाजपा ने भी औपचारिक रूप से लोकसभा चुनाव के आगाज की तैयारी कर ली है। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशंगाबाद में जनसभा कर चुनावी शंखनाद करेंगे। अगले ही दिन 16 फरवरी को धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करेंगे। मोदी की धुआंधार सभाएं इसी बात का संकेत है कि एमपी में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी पूरी तरह चौकन्नी है और इस बार लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन दोहराना चाहती है। पार्टी की प्रदेश इकाई ने मोदी की सभाओं में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि एमपी में भाजपा ने सत्ता जरूर गवाई है, लेकिन पार्टी अपने प्रदर्शन से नाखुश नहीं है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार 4 बार सत्ता में रहने के बाद भी प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का असर ज्यादा नहीं दिखा और यही कारण रहा कि सत्ता हासिल करने के बावजूद कांग्रेस यहां पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकी। एमपी में सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने का जहां जुनून सवार है, वहीं काफी करीब आकर सत्ता में आने से चूकी भाजपा लोकसभा चुनाव में फिर से मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने का मानस बना चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि हिंदी हार्टलैंड प्रदेश में किसका भाग्य लोकसभा चुनाव में चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।